मौसीकीने चीनी रोजी आबोदाना बनने चले मुफन्नस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है ओ अब्बू कहाँ है। आपे हयात पीना चाहे लबो बचना लबी दिखे, गुर्बत के वो शामो सहर है, गुर्बत के वो शामो सहर है, हरल महागर दिशी दिखे। साहिल से भटका है सफीना, आंख सलामत फिर बिना बीना, ख्वाब तो उनके ख्वाब रह गए सच भी रह गया ख्वाब। हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है अब्बू कहाँ है। कहाँ से लाऊं ये ठोकरें ये मुसीबतें, इतना मुश्किल होता है मजबूर इंसान बनना। काम करता हूँ, अपने हाथ पांव तोड़ लेता हूँ। अमन का घर मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया और अब किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई गुंजाइश नहीं। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ है, एक शोहर की कमी थी वो भी पूरी हो गई। तुम्हारी जैसी औरतें सिर्फ एक कामयाब इंसान के साथ जुड़ना चाहती हैं और कुछ नहीं। किताब तो क्या, तुमने एक लाइन भी लिख ली ना तो मैं अपने आप को हार जाऊंगी। आराम करने का बहाना ढूंढ रखा है। आना था उस तौकीय पर और उसके मशवरे पर, जहन्नुम में भी जगह ना मिले उसे। उसने मुझे बेवकूफ बनाया और मैं बन भी गया। उसे जरूरत होगी ऐसी बचकानी चीजों की बड़ा पेंटर बनने के लिए। मैं तो बचपन से ही अफसानगीर रहा हूं, कैसे मैं लोगों को अपने ख्याल सुनाया करता था और लोग लुत्फ उठाते थे, तालियां मिलती थी मुझे। बचपन से ही ऐसा था मैं। लेकिन अब क्या करूं, शबाना भी ऐसे नाराज होकर गई है कि जिंदगी भर मनाता रहूं तो भी वापस नहीं आएगी। लेकिन मुझे भी तो कोई सहारा चाहिए, किसे जाकर के मैं अपने दिल का हाल बयां करूं। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं, शबाना को फोन करती हूँ। हाँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर से करती हूँ। शबाना फोन उठाओ। बचपन में कोई तकलीफ नहीं हुई, वो वालिदैन की गलती थी। शबाना की भी गलती कम नहीं है, उसने भी कभी कोई तकलीफ नहीं दी मुझे। आज जब तकलीफ खुद पैदा कर ली है तब भी नहीं लिखा जा रहा है। समझ में नहीं आता कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं। अम्मी मुझे क्यों फोन कर रही है, जरूर कोई नया तमाशा शुरू किया होगा। उन्हीं के घर पे बात तो करनी चाहिए। हेलो। हेलो अमन, मैंने शबाना को फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। क्या हुआ? उबैद को बहुत जोर से बुखार आया है। अच्छा, आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ और अभी उसे डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। ठीक है, जल्दी आना बेटा। हाँ। चार मिस्ड कॉल्स, अम्मी बार बार फोन क्यों कर रही है, कहीं अमन को फिर से तो कुछ नहीं चाहिए। पहले काम खत्म कर लेती हूँ फिर इत्मीनान से फोन करती हूँ। पहले फोन कर लेती हूँ, क्या पता क्या बात हो। सलाम अलैकुम अम्मी, आपने फोन किया था? क्या हुआ, बुखार है? कितना? 103 डिग्री। अम्मी मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। जी हाँ, मैं अभी निकल रही हूँ। अच्छा, मेरे आने तक ठंडे पानी की पट्टियाँ उस पर उसके माथे पर रखिए,
उससे बुखार कम हो जाएगा। आप इत्मीनान रखिए अम्मी, बस मैं अभी निकल रही हूँ। जी अल्लाह हाफिज। पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं, पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा होगा। हाय अल्लाह। रख दो क्या? मैं सीमेंट की बोरी लेकर आया हूँ, जो रख दो। आप उठिए, इसे सुलाना है, तबीयत खराब है। रख दो। तुम्हारी चाय की आदत तो चली गई होगी ना, मैं पानी लेकर आती हूँ, रुको। अमन बेटा। शुक्रिया। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अमन बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी जैसी हूं ना। तो ऐसे झगड़े तो होते रहते हैं ना। मैंने झगड़ा कब किया है मुझे पता नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने शबाना को क्या कहा। शबाना की नाक पे ही हमेशा गुस्सा रहता है। मैं तो ये शर्त लगा कर कह सकती हूँ, गलती शबाना की नहीं है। आप मुझे समझा रही हैं, उकसा रही हैं। तो कोई भी माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चे का घर बर्बाद हो जाए। तुमने बात ही ऐसी की कि मुझे गुस्सा आ गया। मैंने क्या कहा? देखिए अम्मी, मैं शबाना से नफरत नहीं करता, उससे मोहब्बत करता हूँ। और उस दिन जो कुछ भी हुआ है, मैं उसको लेकर के शर्मिंदा हूँ। चलो तो फिर तय रहा, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मैं शबाना से कह दूंगी कि वो तुम्हें माफ कर दे। बल्कि मैं उसे ये भी कहूंगी कि तुम मेरे सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। मैं कब रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था? और मैंने कब कहा कि मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ? मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहती, ये तो बस मैं शबाना को मनाने के लिए कर रही हूँ। पता नहीं अगर वे बीच में ना पड़ती तो वो कभी तुम्हें माफ करती भी या नहीं। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरी तरफदारी कर रही हैं या नहीं। कभी आप कह रही हैं कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए कह दूंगी, और कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। मैं तो तुम्हारी तरफदारी कर रही हूँ, वरना शबाना ने कब से तय कर लिया है कि वो तुम्हें छोड़ देगी। बिना बात के गर्दन क्यों हिला रहे हैं? आप फिक्रमंद हो रहे हैं, अभी तो मैंने आपसे कुछ कहा भी नहीं है। अरे भाई, तुम आधी रात को मेरे घर आए, वो भी नाइट सूट पहनकर, तो जाहिर है कि कोई फिक्र करने वाली बात है। तो रात को सोते वक्त नाइट सूट ही पहनते हैं, आपने भी तो अपने घर में नाइट सूट ही पहना है। अरे भाई, मैं अपने घर पर हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए था? मैं 3 पीस पहन कर आता आपके घर पर। बैठो, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, तुम चाहे नाइट सूट पहन कर या 3 सूट पहन करो। बात क्या है वो बताओ कि तू रात को लोगों की नींद क्यों हराम कर रहे हो। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी नींद हराम कर दी, मैं कल सुबह आता हूँ, अभी चलता हूँ। अरे अब तो हो चुकी, बताओ फिक्र वाली बात क्या है। नहीं कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो बस यूं ही इधर से गुजर रहा था तो आधी रात को इधर से गुजर रहा था। बहुत अच्छी लाइन, ये लाइन बोल देने से ना आदमी की सहूलियत बहुत आसान हो जाती है। आधी रात को, ये बात कुछ जची नहीं। अमन, कुछ तो है जो तुम्हारे जहन में चल रहा है, जो तुम्हें बेचैन कर रहा है। हाँ। देखो अमन, तुम एक सही आदमी के पास है। अच्छा। मैं तुम्हें बिल्कुल सही सलाह दूंगा, पर उसके लिए पहले तुम्हें अपने दिल की बात मुझे बतानी पड़ेगी। मैं लेकिन कैसे बताऊं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? कहीं शबाना भाभी ने तुम्हारा कोई प्यार वार का मामला, अरे इश्क मुश्क का मामला तो नहीं पकड़ लिया? नहीं, इश्क मुश्क का मामला भाभी आपका पकड़े, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मेरे घर पे बीवी है, बच्चे हैं। हाँ। जो आजकल दिखाई नहीं देते। अरे भाई कहाँ गए हैं वो, अभी तो बच्चों को छुट्टियां भी नहीं हुई है। ओ अमन बाबू, इतनी रात को मेरे घर में यहाँ तुम योगा करने आए क्या? जो बात है बोलो। उस दिन याद है आप मेरे घर पे छुपने आए थे? वो तुम्हारी नहीं, वो तो मेरी बात है।
और सुनो, मैं उस दिन तुम्हारे यहाँ छुपने आया था, तुम उसका मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाने आए हो क्या? आप अगर मेरी बात पूरी होने दो तो ठीक होगा, वरना मेरे सब्र का बांध टूट सकता है। उस दिन जब आप भाभी से छुपते हुए मेरे घर पर आए थे ना, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और मैंने उस बात को इतना बढ़ा दिया है कि अब उसका हल मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो मेरी जगह कौन है, तुम या शबाना? शबाना, क्या है कि मुझे दुख ना पहुंचे इसलिए उसने अपनी बात किसी और से कही, और मुझे लगा कि वो मेरी बुराई कर रही है, मेरी चुगली कर रही है। अमन, तुम तो ना निहायत ही बेवकूफ इंसान हो। अरे अगर शबाना तुम्हारी चुगली तुम्हारे मुंह पर भी करती ना, तो तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए था। अरे चुगली करना तो इंसान की फितरत है, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शबाना ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया होगा। और अगर तुम ये कहते हो कि उसने चुगली तुम्हारे बारे में करी, तो मैं कहता हूँ यकीनन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये बताओ कि तुम्हारी उस बेवकूफी का क्या सलाह था? मेरा शबाना के साथ झगड़ा हो गया और वो नाराज होकर अपनी अम्मी के यहाँ चली गई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे हमेशा के लिए ही छोड़ दिया है। तुम तो निहायत ही बेवकूफ इंसान हो। आप मेरी बेइज्जती मत कीजिए, आप मुझे सलाह दीजिए ना। अरे भाई, मैं तो आए दिन ऐसी मुसीबतों में फंसता रहता हूँ। हाँ। अगर उसने तुमसे ये कहा है कि वो तुम्हें छोड़ देगी, तो इसका मतलब ये है अमन कि शबाना तुमसे बहुत नाराज है। हाँ। अरे वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। हाँ। और वो तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कोई भी वास्ता नहीं रखती। हाँ। ये आप मुझे डरा रहे हैं कि आप मुझे सलाह दे रहे हैं? अरे सुनो तो सही। देखो क्या है अमन, और तो बहुत ही जज्बाती हो, वो जितनी जल्दी गुस्से में आती है उतनी ही जल्दी रहम दिया। हाँ, अगर तुम उसके पास जाओ रोनी सूरत बना और खुद को उसके सामने मजबूर साबित कर दो, तो उसका दिल बहुत जल्दी पिघल जाएगा और तुम्हारी सारी गुस्ताखियां माफ कर देगा। और मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे घर आने के बजाय उसके पास जाकर उसे मनाना चाहिए। अरे इससे पहले और देर हो जाए, जल्दी से जाओ और उसे मनाओ। याद रखना, रोनी सूरत मजबूर इंसान। शुक्रिया मंडल साहब, मैं अभी कपड़े बदलकर शबाना के यहाँ जाता हूँ और उसे मना कर लाता हूँ। कपड़े जरूर बदलो, ताकि उसे यकीन हो जाए कि ये रोनी सूरत और मजबूरी सब तुम्हारा तमाशा है। सूट पहनकर आ गया और वहाँ थ्री पीस सूट पहनकर जाओगे। वाह अमन, मैंने बहुत अच्छा किया जो तुम्हारी भाभी जान वाली बात तुम्हें नहीं बताया। शुक्रिया। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। शबाना, तुम्हें घर वापस लेने आया। मैं तुम्हें पता नहीं है, मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। तुम बस घर वापस आ जाओ। मैं मुझसे गलती हुई है, मैं गधा हूँ, उल्लू हूँ, पाजी हूँ, लेकिन तुम घर वापस आ जाओ। अमन, तुम अभी होश में नहीं हो, हम कल सुबह बात करेंगे। शबाना, शबाना, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। चलो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ये क्या है अमन, जब तुम्हारा दिल करेगा तुम मुझे घर से निकाल दोगे, और जब तुम्हारा जी करेगा आकर घर वापस ले जाओगे। ये क्या तमाशा लगा रखा है? उस दिन अचानक पता नहीं तुमने... अचानक नहीं, वो दरअसल आफरीन ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। उसने कहा था कि तुम ऑफिस में जाकर लोगों को ये कहती हो कि मैं नकारा हूँ, निकम्मा हूँ। और उसने तुमसे ये सब कहा और तुमने मान लिया? वही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा नजरिया क्या है। मैंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे इस राइटर बनने के फैसले से तुम पर क्या बीतेगी। मैंने कभी तुम्हारे नजरिए को जानने की कोशिश नहीं की, यही तो गलती हुई। और शायद यही गलती अब मैं भी कर रही हूँ। तुम्हें समझ में आ गया ना शबाना, ये पूरी तरह से गलती मेरी नहीं है। शायद तुम्हारी पूरी गलती नहीं है अमन, पर कुछ गलती तो तुम्हारी है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तुमसे जानने की कोशिश करती कि असलियत क्या है, ये नहीं कि आधी रात को तुम्हें घर से बाहर निकाल देती। ऐसी बात मत करो, मैं कभी ये नहीं सोच सकता कि मैं तुम्हें और बच्चों को मैं घर से निकालूं। शबाना, तुम अमन, तुम रो रहे हो। अमन अमन, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। देखो, मेरा इरादा तुम्हारे दिल को दुखाने का बिल्कुल नहीं था।
खुदा के वास्ते अमन चुप हो जाओ, हम अभी अभी घर जाएंगे, मैं सामान बांधती हूँ, ठीक है? बस दो मिनट में मैं सामान बांधती हूँ। इतना आंख निचोड़ा, आंसू ही नहीं आ रहे, कमाल है। फिर भी मंडल साहब ने सही कहा था, औरतें नादान होती हैं। आंसू आया नहीं, लेकिन शबाना पिघल गई। फिर भी मुझे दुख तो हुआ ही। बच्चों, अब तुम अप्पू के साथ घर चलोगे। अमन, अमन उठो। सुनो अमन, मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है, बच्चों का टिफिन भी रेडी है, तुम नाश्ता कर लेना और बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज देना, ठीक है? मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, सुना तुमने? हाँ हाँ सुन लिया। माशाल्लाह मुबारक हो। मुबारकबाद किस बात की? अरे भाई आपने लिखना तो शुरू कर दिया, बस अब इसे जल्द से जल्द पूरा करो। मैंने लिखना शुरू कर दिया कब? ये नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही बस मैं कुछ सोच रहा था, सोचते सोचते सो गया। ओह मुझे लगा कि, खैर कोई बात नहीं, शुरुआत हुई नहीं है तो हो जाएगी। वैसे भी मुश्किल तो किसी चीज को शुरू करने में ही होती है, एक बार कोई काम शुरू हो जाए तो बस चीजें खुद ब खुद होती चली जाती हैं और अपनी मंजिल ढूंढ लेती हैं। इंशाल्लाह मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, पर कब होगा पता नहीं। तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। शबाना मुश्किल यही है ना, एक मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किस मुद्दे पर लिखूं। अगर मुद्दा समझ में आ जाता है तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे लिखूं। अब ये क्या लिखूं और कैसे लिखूं, यही कश्मकश में पड़ा रहता हूं। और मुझे मुझे कुछ ऐसा है भी नहीं जो इंस्पायर करे लिखने के लिए। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, कुछ ऐसे लोगों से मिलो जो कि लिखते हैं, मेरा मतलब है कि राइटर्स, उनसे मिलकर देखो कि उन्हें किस बात ने लिखने के लिए मजबूर किया। ओफो, देखो तो वक्त क्या हो गया, तुमसे बात करने लगी और मैं भूल ही गई। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। हाँ जाओ जाओ जाओ। इसे शबाना ने ठीक ही कहा है, मुझे किसी राइटर से मिलना चाहिए, लेकिन किससे मिलूं, ये राइटर कहाँ पाए जाते हैं? कि मिलना तो पड़ेगा ही। इसे क्या लिखा मैंने? देर रात तक जलती रहती है आग, गरम तेल में छानता हूं जलेबी। अच्छा हुआ शबाना ने ये पढ़ा नहीं। उड़ जा काले कावा, तेरे क्या लिखा, मुद्दा क्या था, जलेबी कौआ, समझ। आइए आइए भाई साहब आइए। अरे अमन बाबू, आज सूरज किधर से निकला? सोसाइटी मीटिंग में भी कभी आपके इतने सुबह दीदार नहीं हुए। अरे कमाल करते हैं आप, बैठने के लिए तक कहा नहीं और हजारों सवाल पूछ लिए। अरे बैठिए ना भाई साहब, बैठिए भाई साहब। इतनी जल्दी जल्दी सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अरे अपने घर में सुबह सुबह इंसान को ढेर सारे काम होते हैं और ये आदमी है उठ के दूसरे घर में चला आया। हो सकता है घर में कुछ खत्म हो गया होगा तो लेने आए होंगे, क्यों भाई साहब? नहीं नहीं, वो दरअसल मैं बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ने गया था तो मैंने सोचा कि आप यहाँ कर बस एक कप चाय पी लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। और सुनाइए मंडल भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, बंगाल में इतने बड़े बड़े अच्छे राइटर हुए हैं तो ये किससे इंस्पायर होकर के लिखते थे या क्या सोच कर लिखते थे, उनके जहन में ऐसे क्या ख्याल आते थे जो वो इतनी अच्छी किताबें लिख देते थे? वाह अमन भाई वाह, सुबह सुबह आपने ना दुखती रख में हाथ, बंगाल की मिट्टी की महक ही अलग है, बंगाल की जुबान, बंगाल की तहजीब, बंगाल का खाना। अमन भाई कहते हैं कि बंगाल की जुबान एशिया की सबसे मीठी जुबान। मैं जानना चाह रहा था कि ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें राइटर बनने पे मजबूर करती है, उन्हें उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो बस किताब लिख दें। अरे अमन भाई, बंगाल के तो आबो हवा ही ऐसी है,
कि बंगाल का हर दूसरा आदमी किसी ना किसी कला में माहिर है। वो तो बिल्कुल सच है कि वहाँ का आर्ट कल्चर वो बहुत ही बेहतरीन है, फिर भी कुछ तो खास होगा ना। कभी आपने किसी कलमगीर से ऐसा सुना है कि ये बात उसके दिल में घर कर गई और उसने बस लिखना शुरू कर दिया? अरे अमन भाई, बंगाली लोगों की नस्लों में खून नहीं, शाही है। अच्छा, इसलिए वो अफसाना कागज पर उतारते। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि माफी चाहूंगा, अभी मैं एक काम बीच में ही छोड़कर आ गया था, अभी अचानक याद आया, अरे वो तो पूरा ही नहीं किया। तो अभी मैं चलता हूँ, चाय फिर कभी पी लूंगा, अभी इजाजत दे दीजिए, खुदा हाफिज़। खुदा। अरे चूल्हे पे दाल चढ़ा के भूल गया होगा। ओ मौसी की ने चीनी रो दिया बोदाना, बनने चले मुफन्नस खुद बन गए बताना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना।